आयोजकों को इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ टू सेलिब्रेट द बिजनेस इम्पैक्ट इन जम्मू। और ये कैसे समय है जब मैं ये कहूँगा दी वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग इंडिया बिजनेस, इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट बिजनेस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्रमाणित केवल कहने से नहीं हो रहा, आंकड़ों से हो रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40 पैदान ऊपर आकर के 81 नंबर से 40 तक पहुंच गए, 41 पैदान ऊपर आए। स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज हमारा दर्जा दुनिया में 3rd नंबर पर है। वी हैव बीन हेल्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एट द रेट ऑफ 7% ग्रोथ रेट। और विशेषकर कोविड आपदा के बाद जब ये शंका जतलाई जाती थी कि भारत 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, तो विश्व ने देखा जब 50-50 लाख वाले यूरोपीय देश तलमला गए, भारत ने न केवल अपने आप को संभाला बल्कि बाकी देशों के लिए भी वैक्सीन इत्यादि जैसी सुविधा उपलब्ध कराई। और आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कह रहा है कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ब्राइट स्पॉट, अर्थात इस समय अर्थव्यवस्था को लेकर के 21वीं शताब्दी में यदि पूरे विश्व को आशावाद कि कहीं किरण नजर आती है तो भारतवर्ष। और जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड सरमाए हैं, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज, हमारा अरोमा रिसोर्स, हमारे हर्बल, हमारे ओशन रिसोर्सेज, इनको एक्सप्लोर करने का काम मोदी जी ने शुरू किया। और 2014 के बाद मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया का आह्वान लाल किले के परिसर से किया। नतीजा यह कि 350 से बढ़ करके आज स्टार्टअप्स की संख्या देश में 90,000 से अधिक हो गई, 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न हो गए। विडंबना केवल यह है जिसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता होगी कि इस क्षेत्र में उस प्रकार से स्टार्टअप की मुहिम पकड़ नहीं ले पाई जिस तरह से कुछ और क्षेत्रों में। अभी हाल ही में हमने खादी का एक्सपोज किया था, 1,00,000 करोड़ का टर्नओवर इस साल हुआ है। 50 करोड़ की सब्सिडीज मात्र जम्मू कश्मीर में वितरित की गई, लेकिन अधिकतर कश्मीर घाटी में। जम्मू में अभी भी मानसिकता में सरकारी नौकरी धर किए हुए हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो नए विकल्प है इनमें कई अधिक गुणा आमदनी उपलब्ध है। उस खादी को लेकर के ही 50 लाख से 1 करोड़ तक कैपिटल दिया जा रहा है, 25 से 35% तक सब्सिडी दी जा रही है। अरोमा मिशन में हैंड होल्डिंग से लेकर के प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कश्मीर घाटी में हमने फलों को लेकर के सेब का उत्पादन दुगना कैसे करना, उसकी शेल्फ लाइफ लंबी करके देश भर में मंडियों में कैसे पहुंचाना, इसकी सुविधा हमने दी। मैं चाहूँगा आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने, मैसेंजर बने और नौजवानों को इस तरफ रुझान लाने में